तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हेडर नोड में क्या डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस इंसर्ट कर देंगे, राइट। और न्यू नोड के लिंक, हे कोडाहॉलिक, दिस इज योगेश बिस्ट एंड यू आर वॉचिंग द कोड डेक। पिछले वीडियो में, दैट वॉज योर डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर 9 में, हमने सिंगली लिंक लिस्ट पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन विच इज इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए थ्योरी और कंसेप्चुअल पार्ट को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में इंसर्शन ऑपरेशन के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे और उसी के साथ साथ ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, right? So let's begin the video. So this is your compiler screen और हम insertion at beginning के लिए programming code लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको link list को create करना है तो सबसे पहले आपको link list के node को define करना होगा, right? तो हम सबसे पहले struct keyword की मदद से link list के node को define करते हैं। So struct node, और जैसा कि मैंने आपको बताया, नोड के दो फील्ड होते हैं, द फर्स्ट वन दैट इज योर डेटा फील्ड, द सेकंड वन दैट इज योर लिंक फील्ड, राइट। तो लिंक किस टाइप का होगा, क्योंकि लिंक नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, तो लिंक एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा, राइट। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ नोड, राइट, विच विल बी यूज इन योर लिंक लिस्ट, राइट। अब जैसा कि हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे यहां पर क्लास क्रिएट करने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले एक क्लास को क्रिएट करता हूं, दिस इज योर क्लास नेम, राइट। और इसके अंदर अब बात करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन में हम क्या चीज रखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कॉलेज का कोई डेटाबेस है, उसमें आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, तो क्या आप अपने डेटाबेस को प्राइवेट रखेंगे या पब्लिक रखेंगे? डेफिनेटली इजिली आंसर होगा कि आप अपने डेटाबेस को प्राइवेट रखेंगे, राइट। तो यहां पर लिंक लिस्ट में हमारा डेटाबेस क्या है, हमारा डेटाबेस है हेडर, जो हमारा हेडर नोड है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैं क्या डिफाइन करता हूं, मैं फिर क्या डिक्लेयर करता हूं, दैट इज योर हेडर नोड, राइट, नोड स्टार हेडर, राइट। और अब बात करते हैं पब्लिक सेक्शन की। तो पब्लिक सेक्शन में मैं सबसे पहले हेडर नोड को इनिशियलाइज कर लेता हूं। तो हेडर नोड को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर यूज करता हूं, राइट। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हेडर नोड को इनिशियलाइज कर देता हूं नल से, क्योंकि सबसे पहले जब आपके डेटाबेस में या फिर आपके कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ होगा, तो तब उस समय आपके डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं होगा। इट मीन्स हेडर शुड बी नल एट द फर्स्ट टाइम, राइट। अब मैं इससे आगे जो इंसर्शन ऑपरेशन है उसके लिए कोड लिखता हूं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करना होगा, राइट। सो दिस इज योर बिगनिंग एट, सॉरी दिस इज मिस्टेक, राइट, इंसर्शन एट बिगनिंग, राइट। सो दिस इज योर द ऑपरेशन विच विल परफॉर्म After this line, right? तो मैं यहां पर सबसे पहले insertion at beginning के लिए एक function create करता हूं, right? So this is your function. और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस function में दो चीजें होंगी, the first one that is your header node, the second one that is your the item which is to be inserted, right? तो header node तो class के अंदर define है, तो उसे हमें pass करने की जरूरत नहीं है इस function में, right? अब बात करते हैं वैल्यू की, जो कि आप नोड के अंदर स्टोर करोगे, राइट। जैसे अगर आपको स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो रोल नंबर क्या हो गया, आपकी वैल्यू हो गई, तभी तो आप उस वैल्यू को स्टोर करेंगे, राइट। तो मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं, सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूं दैट इज योर वैल्यू, राइट। और यूजर को कहता हूं एंटर अ नंबर, सॉरी एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो यूजर क्या करेगा, स्टूडेंट के रोल नंबर को एंटर करेगा और उस वैल्यू को मैं cn की मदद से वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, राइट। तो हमने अब वैल्यू को भी ले लिया,
अब अगर मुझे इस वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे एक नोड क्रिएट करना होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लेता हूं, दैट इज योर न्यू नोड, और उसमें न्यू कीवर्ड की मदद से नोड टाइप का एक नोड के एड्रेस को असाइन कर देता हूं। जो ये न्यू नोड है वो क्या करेगा, वो एक नोड टाइप का ब्लॉक क्रिएट करके देगा, और जो उस ब्लॉक का एड्रेस होगा मैंने उसे एक नोड टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर लिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप नोड का क्रिएट कैसे करते हो, राइट, नोड का क्रिएशन कैसे करते हो वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, राइट। अब बात करते हैं इंसर्शन के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या जो आपका न्यू नोड है यानी जो पॉइंटर है क्या वो नल तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मेमोरी में उतना स्पेस ना हो उस नोड को क्रिएट करने के लिए। यहां पर तो हम छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन कई बार जब आप रियल लाइफ में, जब इंडस्ट्री में आप प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पर जो स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको ध्यान में रखा जाता है, राइट। तो हो सकता है कि जो न्यू नोड है वो एड्रेस ना ले सके, राइट, आपकी मेमोरी में उस ब्लॉक को एड्रेस ना मिले, तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे। और अगर एड्रेस नहीं मिला यानी न्यू नोड क्या होगा, नल होगा, राइट। तभी तो न्यू नोड में नल आया होगा क्योंकि उसे एड्रेस नहीं मिला होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम कर देंगे प्रिंट आउट ओवरफ्लो, राइट, एंड इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट, एंड दिस इज योर इंडेल, राइट। और अगर आपका न्यू नोड एक एड्रेस रिटर्न करता है, राइट, अगर आपका न्यू नोड नल नहीं है, इट मींस आपको एक ब्लॉक का, नोड टाइप के ब्लॉक का स्पेस मिल चुका है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हेडर, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हेडर नल होगा, राइट, तो हम चेक करेंगे क्या हेडर नल तो नहीं है। अगर हेडर नल है तो इट मींस जो पहला डेटा जा रहा है वो पहली बार इंसर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हेडर नोड में क्या डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस इंसर्ट कर देंगे, राइट, और न्यू नोड के लिंक में, राइट, न्यू नोड के लिंक में हम क्या कर देंगे, दैट इज योर लिंक, न्यू नोड के लिंक में हम नल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट नोड होता है उसके पॉइंटर में नल वैल्यू होती है, राइट, और जो न्यू नोड होगा, राइट, उस न्यू नोड के डेटा पार्ट में हम कौन सी वैल्यू इंसर्ट करा देंगे, दैट इज योर वैल्यू, राइट, क्योंकि हमें रोल नंबर ही तो स्टोर कराना है, और रोल नंबर किस में है, दैट इज योर वैल्यू। और अगर, अब ये हो सकता है कि आपका हेडर पार्ट नल ना हो, राइट, अगर हेडर नल नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो थ्योरी पार्ट था उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमें सबसे पहले एक पॉइंटर क्रिएट करना है, राइट, तो मैं एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करता हूं, राइट, और इस नोड टाइप के पॉइंटर में मैं क्या करता हूं, आपके पीटीआर में मैं हेडर का एड्रेस रख लेता हूं, मैं इंडिया जुगाड़ू देश है, राइट, तो मैंने जुगाड़ कर लिया कि हमारा डेटा लूज भी ना हो, इसलिए मैंने अपने डेटा की कॉपी बना ली है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ये आपके लिए नेसेसरी होता है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉपी होनी चाहिए, कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट इनक्रप्ट हो गया तो आप वही वर्क दूसरे प्रोजेक्ट पे सही तरीके से कर सकते हो। तो यहां पर भी मैंने वही अप्रोच अपनाई, मैंने हेडर के एड्रेस को कॉपी कर लिया, अब मेरा डेटा सेफ है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, हेडर के लिंक में, सॉरी, मैं करूंगा पीटीआर के लिंक में, क्या कर दूंगा, मैं पीटीआर के लिंक में इंसर्ट करा दूंगा न्यू का, जो न्यू नोड बनाया है उसका एड्रेस, राइट, या फिर आप सिंपली, सॉरी, दिस वुड बी हेडर, राइट, तो मैं हेडर में इंसर्ट करा दूंगा न्यू नोड का एड्रेस, राइट, और न्यू नोड के लिंक में, न्यू नोड के लिंक में, राइट, सो दिस इज न्यू नोड लिंक, और न्यू नोड के लिंक में मैं इंसर्ट करा दूंगा क्या, पीटीआर को, राइट, तो न्यू नोड के लिंक में मैंने क्या इंसर्ट करा दिया, दैट इज योर पीटीआर, और न्यू नोड के डेटा में, राइट, तो न्यू नोड के डेटा में क्या डाला, दैट इज योर वैल्यू, राइट, सो दिस इज योर वैल्यू। तो ये तो हो गया हमारा कि जब आपका हेडर नल नहीं होगा,
यानी पहले भी कुछ स्टूडेंट का डेटा या फिर पहले भी कुछ नोड आपकी लिंक लिस्ट में है और उस समय आपको पहली पोजीशन पर अपने नोड को इंसर्ट कराना है, राइट। तो ये तो हो गया इंसर्शन के लिए, लेकिन अब हमें अगर चेक करना है कि ये प्रोग्राम सही बना है नहीं बना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें नोड को देखना भी होगा, और नोड को देखने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। हम हर एक नोड पे ट्रैवर्स करेंगे और उस नोड पे अवेलेबल वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, राइट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, राइट। सो दिस इज योर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है किसी भी सिंगल लिंक लिस्ट में हर एक नोड को एक बार विजिट करना। तो यहां पर हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है और हमें इस सिंगल लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हेडर नोड होता है वो होल्ड करता है पहले नोड का एड्रेस, राइट। तो जैसा कि हमने इंसर्शन ऑपरेशन में परफॉर्म किया था, अपने डेटा की सेफ्टी के लिए हम एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करते हैं, राइट, और हेडर के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं पॉइंटर में। यानी अब पॉइंटर के पास क्या एड्रेस आ चुका है, पॉइंटर के पास एड्रेस आ चुका है दैट इज योर 2222। इट मींस जो पॉइंटर है दैट इज स्टार्टेड इंडिकेटिंग द फर्स्ट नोड, राइट। यानी जो पीटीआर है वो इंडिकेट करना शुरू कर चुका है पहले नोड को, राइट। यानी मैं कह सकता हूं मैं पीटीआर ऑफ डेटा लिखकर पहले नोड के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, राइट, क्योंकि पीटीआर के पास वही डेटा है जो पहले नोड का डेटा है। फिर आप कह सकते हो पीटीआर के पास वही एड्रेस है जो पहले नोड का एड्रेस है, राइट। लेकिन बात यह आती है कि क्या हमें सिर्फ एक ही नोड ट्रेवर्स करना है, नहीं सर, हमें तो हर एक नोड ट्रैवर्स करना है जो कि लिंक लिस्ट में अवेलेबल है। तो जहां पर हमें एक ही काम को मल्टीपल टाइम करना होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, तो सिंपल आंसर, वहां पर हम लूप यूज करते हैं। तो यहां पर मैं व्हाइल लूप यूज करूंगा, राइट। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर हम व्हाइल लूप को कहां तक चलाएंगे, कितनी बार व्हाइल लूप चलेगा। तो यहां पर आप एक स्पेशल कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज योर नल। यानी जब तक ये लिंक पार्ट नल ना हो जाए तब तक आपका लूप चलता रहेगा, राइट। तो अब मैं यहां पर एक कंडीशन लिखने जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि पीटीआर को, जो आपका पीटीआर अभी फर्स्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, उसे लास्ट लोकेशन तक ले जाए कैसे। कि जहां पर अगर जैसे आपने देखा होगा हम i को इनिशियलाइज करते थे 0 से, i शुड बी ग्रेटर देन 5, देन i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते थे i को, राइट। तो यहां पर ptr को कैसे इंक्रीमेंट किया जाए कि वो नल तक पहुंच पाए। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखने वाला हूं, दैट लाइन इज ptr इज इक्वल टू ptr लिंक। यानी ptr लिंक को असाइन कर रहा हूं ptr में। तो आइए इस लाइन का मतलब समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पीटीआर है वो अभी पहले नोड को इंडिकेट कर रहा है, राइट। यानी पीटीआर के लिंक में कौन सा एड्रेस है, दैट इज योर 2222। और हम वही तो कर रहे हैं, हम पीटीआर में असाइन करा रहे हैं पीटीआर के लिंक को, जो क्या है 2224, सॉरी, राइट। यानी अब पीटीआर के पास दूसरे नोड का एड्रेस आ चुका है और पीटीआर दूसरे नोड को इंडिकेट करना शुरू कर चुका है। यानी पीटीआर ऑफ डेटा को लिख के अब हम सेकेंड नोड के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब अगेन लूप चलेगा, राइट, और अगेन पीटीआर लिंक असाइन हो जाएगा पीटीआर में। पीटीआर लिंक में कौन सी वैल्यू है, दैट इज योर 2226। तो अब पीटीआर में कौन सी एड्रेस आ गया, दैट इज योर 2226। यानी अब पीटीआर इंडिकेट करना शुरू कर चुका है किसको, थर्ड नोड को, राइट। और इसके बाद
जो कंडीशन है हमारे पास, अगेन ये कंडीशन होगी, दैट इज योर ptr असाइन टू ptr लिंक, राइट, सॉरी ptr लिंक असाइन टू ptr, राइट, यानी अब ptr में आ चुका है, क्योंकि ptr लिंक में कौन सी वैल्यू है, दैट इज योर नल वैल्यू, राइट, क्योंकि ptr लिंक में कौन सी वैल्यू है, दैट इज योर नल वैल्यू, तो ptr में कौन सी वैल्यू आ चुकी है, ptr में आ चुकी है आपकी वैल्यू नल। अब अगेन ये ऊपर चलेगा, राइट, यानी ऊपर चलेगा मतलब while loop अंदर कंडीशन चेक होगी, क्या ptr, राइट, क्या ptr नल है या फिर नल नहीं है, राइट, तो ये चेक करेंगे। देखिए, क्या ptr इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं सर, ptr की वैल्यू नल, यानी ptr नल के इक्वल है, इट मींस आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और जैसा ही आपका लूप टर्मिनेट होगा, आप सिंगल लिंक्ड में अवेलेबल सारे नोड को ट्रैवर्स कर चुके होंगे, राइट, सो दिस वाज अ ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। तो आइए इस ऑपरेशन को कंपाइलर स्क्रीन पर जाके देखते हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज योर कंपाइलर स्क्रीन, और अब मैं यहां पर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, दैट इज योर ट्रैवर्सिंग फंक्शन, राइट, सो दिस इज योर ट्रैवर्सिंग फंक्शन। तो जैसा कि मैं आपको एरे के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि ट्रैवर्सिंग फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है जब आप इसे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के अंदर यूज कर रहे हो, राइट, तो जैसा कि मैंने आपको अभी आपको बताया कि हमें सबसे पहले एक नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट करने की जरूरत है, राइट, देन हम इस पॉइंटर में असाइन करा देते हैं हेडर के पास जो एड्रेस है। हेडर के पास कौन सा एड्रेस है, हेडर के पास पहले नोड का एड्रेस है, तो हमने पहले नोड के एड्रेस को असाइन करा दिया ptr में, यानी अब ptr इंडिकेट करना शुरू कर चुका है पहले नोड को। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया हमें जरूरत है while loop यूज करने की, क्योंकि हमें मल्टीपल नोड को ट्रेवल करना है, और कब तक करना है, जब तक कि ptr की वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो जाती है, राइट, और तो उसके बाद हमें while loop के अंदर क्या कोडिंग लिखनी है, सबसे पहले हमें cout करना है ptr ऑफ डेटा को। ptr ऑफ डेटा का मतलब कि जब लूप पहली बार चलेगा तो ptr ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ फर्स्ट नोड, राइट, और उसके बाद वी हैव टू सिंपली राइट दैट योर ptr इज इक्वल टू ptr ऑफ लिंक, यानी ptr ऑफ लिंक को हमने असाइन करा दिया ptr में, तभी जाकर ptr उस लोकेशन तक पहुंच पा रहा है जहां पर उसकी वैल्यू नल हो जाती है और आपका व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है। ये मैं आपको वीडियो के पिछले पार्ट में बता चुका हूं, राइट, अब इसके बाद हम लूप से बाहर आ जाते हैं, राइट, सो दिस वाज अ ट्रैवर्सिंग फंक्शन। अब मैं यहां पर इसके लिए मेन फंक्शन में कोडिंग करता हूं, इन दोनों फंक्शन को कॉल करता हूं, देन वी विल चेक दैट इज इट एग्जीक्यूट प्रॉपरली और नॉट। सबसे पहले हमें यहां पर जरूरत है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, दैट इज योर क्लास, राइट, लिस्ट हमारी क्लास है, लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज योर L1, राइट, L1 की मदद से मैं इंसर्शन फंक्शन को कॉल करता हूं, दैट इज योर इंसर्शन फंक्शन। मैं इंसर्शन फंक्शन को दो बार कॉल कर रहा हूं ताकि हम दो एलिमेंट को इनपुट करा सके और जो इंसर्शन एट बिगनिंग है उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक बार और इंसर्शन कर लेते हैं, राइट, सो दिस इज योर इंसर्शन। अब जो आपका कंपाइलर है वो मुझे तीन वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद मैं L1 की मदद से ट्रैवर्सिंग फंक्शन को कॉल करता हूं, चेक करता हूं कि क्या हमारे लिंक लिस्ट में इंसर्ट हुई है एलिमेंट्स, या जो आपके नोड हैं वो इंसर्ट हुए हैं या नहीं, राइट, और क्या वो बिगनिंग पर ही इंसर्ट हुए हैं, क्योंकि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज इंसर्शन एट बिगनिंग, राइट, सो लेट्स चेक इट, कंपाइल एंड रन। सो इट्स रनिंग एंड वी हैव अ रन स्क्रीन, दैट इज योर एंटर द रोल नंबर, तो पहला रोल नंबर दैट इज योर 11, सेकेंड रोल नंबर दैट इज योर 12, थर्ड रोल नंबर दैट इज योर 13। तो जैसा कि मैंने पहली बार 11 एंटर किया तो पहले पोजीशन पे कौन आया, 11। मैंने दूसरी बार 12 एंटर किया तो क्या 11 12 से पहले आना चाहिए या 12 के बाद आना चाहिए। सर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंसर्शन एट बिगनिंग, यानी जो 12 हमने एंटर किया है वो 11 से पहले आना चाहिए, राइट, और ठीक वैसे ही जो 13 हमने एंटर किया है वो 12 से पहले आना चाहिए। तो लेट्स चेक इट, राइट, तो 13 सबसे पहले आया, राइट, सो दिस इज इंसर्शन एंड बिगिनिंग, और फिर 12 देन 11, सो दिस वाज योर इंसर्शन एंड बिगिनिंग ऑपरेशन एंड ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, राइट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
insertion at the end of linked list, right? So goodbye, thank you. So this was the end of this session. Thank you for watching the video, and if you like this video, then hit that like button and subscribe the code and stay updated with us for programming and tech updates. If you have any query regarding this video, so please contact me on the given Gmail link.